सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज हम जा रहे हैं बहुत एक्साइटिंग जगह, बहुत नई जगह है। दिल्ली एनसीआर में पहली बार खुला है कुछ नया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ बिकॉज कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप है, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट वैसे बहुत मजा आने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या होता है और चलते हैं ना जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते। सो फाइनली आ गए हैं जहाँ पे मैं आना था, और यहाँ पे जिस पर्पज से मैं आया हूँ वो एरो स्पोर्ट्स है और पैरा मोटरिंग कहते हैं इसे। पैरा मोटरिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है इंडिया में, मतलब दिल्ली में नया है, दिल्ली में अभी आ रहा है। सो पीछे मशीन ही है जिनके साथ मैं हूँ, मेरे भाई है, मेरे भाई का ये मेरे कज़न का है। सो बेसिकली ये फ्लाइंग फॉक्स के नाम से, फ्लाइंग फॉक्स हाँ, तो ये वो मशीन है जिससे राइड होती है। बहुत बहुत अच्छी मशीन है, अभी आपको देखने को मिलेगा कैसे राइड होती है। और मेरे साथ मेरे भाई हैं जो ऑलवेज मेरे साथ ही हैं, ये मेरे कज़न ब्रदर है और इन्हीं का ये, और ये मेरे को राइड करवाएंगे, ये मेरे को बताएंगे कैसे होता है। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, सीरियसली लग रहा है। बिकॉज़ नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं ये करवा रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता। तो अभी देखते हैं, बताते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, हर चीज कैसे होती है, कैसे करा जाता है, फिर इसके बाद करते हैं एक राइड लेते हैं बहुत अच्छी सी और बताते हैं कैसी लगी। तो भाई कुछ बताओ इसके बारे में कि क्या। इटली मेड है ये मशीन, और बिल्कुल ये जो एयरक्राफ्ट में इंजन यूज होता है वही इंजन हमारे पास है जिसके लिए हम इसमें मतलब फ्लाइंग कर रहे हैं, वही इंजन हम यूज़ कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए हमारे पास ग्लाइडर है, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी के लिए बिल्कुल ये 100% सेफ है, और आप जस्ट लाइक ए चेयर, आप आराम से बैठोगे और आप राइड कर सकते हो। और भाई कितनी स्पीड के बाद उड़ता है, कितने टाइम, कितने देर लगती है इसे? डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे, विंड कंडीशन पे। विंड अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगी तो हम टेक ऑफ जल्दी कर लेंगे, अराउंड 100 मीटर में ही, 100 फीट में ही हम टेक ऑफ कर लेंगे। अगर थोड़ा सा विंड नॉर्मल है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रनवे ज्यादा चाहिएगा, जस्ट लाइक एरोप्लेन। तो भाई आइडिया कहाँ से है, मतलब दिल्ली एनसीआर में आप पहली बार ऐसा कुछ लाए हो नया? लाइक दिल्ली एनसीआर में पहले इतना था नहीं इसका ट्रेंड, और अभी इसको आपको और दिखाना पड़ेगा, लोगों को एक्सप्लोर करवाना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को इतना पैरा मोटरिंग के बारे में नहीं पता। हाँ बिल्कुल, अभी नहीं पता, बहुत सारे पूछते भी हैं कि ये क्या है, ये जुगाड़ है या क्या है, बट ये जुगाड़ नहीं है, ये इटली का, इटली मेड से है, और हमने इसको दुबई में देखा था। दुबई अच्छा। में ये ऑलमोस्ट सभी बंदे अपना पर्सनल लेके रखते हैं, अच्छा, वहाँ पे इनकी कंपटीशन भी होते हैं इनके। अभी अपना स्टार्टिंग में होल्ड कर लेना, उसके बाद आप इजीली बैठ सकते हो जैसे नॉर्मल ऑफिस चेयर में बैठते हो, ठीक है। और ज्यादा प्रेस नहीं करना, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको लेफ्ट और राइट, मैं बिल्कुल लाइट तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है? ठीक है, ओके, रेडी स्टार्ट। में भाई बहुत सही है, सीरियसली बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, लोगों को लग रहा होगा डर लगेगा, थोड़ा सा लगता है तब स्टार्ट होता है ऐसे एरोप्लेन में बैठते हो ऐसे, बट बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी तरह होता है, और लैंडिंग में डर लगता है कि लैंड कैसे होगा, बहुत अच्छी तरह होता है। मैं सीरियसली, मेरे को हाइट से थोड़ा सा फोबिया था, बट अब बहुत मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया, मैं बता नहीं सकता। और भाई
डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन है, साथ वाला बंदा कौन है जो आपको राइड करवा रहा है। मेरे को बहुत अच्छी राइड करवा रही, सीरियसली मजा आ गया। और मैं तो कह रहा हूँ आओ एक बार लाइफ में, पता है ये चीज ऐसी होती है आप लाइफ में एक बार करते हो तो आगे एक बार करो, मजा आ जाएगा। सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलता है। ऐसे जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, देखिए उसमें होता है एक एक बड़ा स्पोर्ट्स करते हैं उसके बाद एक खुशी मिलती है। तो भाई बहुत सही है, मैं वापस आऊंगा, मैं तो आता रहूंगा, मेरा तो फैमिली का है भाई। तो भाई ये जो जगह है दिल्ली NCR में, बहुत अच्छी जगह है। जो एयरक्राफ्ट इंजन है इसका बहुत बहुत अच्छा इंजन है, इटली से मंगवाया गया यहाँ का नहीं है इंजन, बहुत अच्छा इंजन है। इसका फ्यूल भी बहुत अलग है, मेरी अपनी नॉलेज के लिए था मैंने इसलिए पूछा, बिकॉज मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ तो मेरे को ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। और ये भाई हैं जो करवाई रहे हैं, तो इन्होंने एक बात बताई है मुझे कि ये सिखाते भी हैं, तो जिसको सीखना हो एज अ मतलब पायलट बनना हो हाँ तो यहाँ पे आके वो सीख सकता है चीजें। और राइड तो आप ले ही सकते हो जितनी बार लेनी है, आओ एंजॉय करो, बहुत अल्टीमेट है भाई, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। मैंने करा ऊपर से जाके, चीजें ये अलग दिखती हैं भाई, एक नंबर, मजा आ जाता है। तो बॉक्स बॉक्स छोटे छोटे तो बहुत स्मूथली जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से, बहुत लैंडिंग भी बहुत प्रॉपर होती है। और कभी कभी वेदर का इश्यूज हो जाता है तो बंद होती है, बट ऐसी दिक्कत नहीं है। जब विंड स्ट्रॉन्ग हो या क्लाउडी हो ज्यादा तो हम फ्लाइंग नहीं करते, फॉर सेफ्टी मेजर। बट हाँ आप कर सकते हो, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो, अभी तो बहुत अच्छा वेदर है तो अभी आप आराम से इजिली कर सकते हो। मैंने भी करा, बहुत सही हुआ, तो आओ कभी आओ और देखो, बहुत सही जगह है। कैमरा मैन अमल के साथ करते हैं समाप्त, आज की न्यूज यहीं खत्म होती है और हम चलते हैं अपने घर को। इन भैया को थोड़ी सी अकड़ है अपनी गेम पे, जो इनजस्टिस खेलते हैं, इनजस्टिस 2 है फर्स्ट है हां सेकंड, कोई भी हो हराने से मतलब होगा। ओके लेट्स सी। Like a hell cat.